2 साल बाद काजोल को मिली फिल्म। अजय देवगन ने साथ काम करने से कर दिया था मना। गोलमाल अगेन की सफलता के बाद अजय देवगन ने पत्नी काजोल के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि अब वो सिर्फ मसालेदार फिल्में ही करना चाहते हैं जो उनके करियर ग्राफ को ऊंचाइयों पर ले जा सके। जिसके बाद आपको बता दें कि अब काजोल को भी एक कमबैक फिल्म मिल गई है। अटकलें लगाई जा रही थी कि काजोल की फिल्म को मैहुना के लेखक राजेश साथी डायरेक्ट करेंगे, जिसे अजय देवगन फिल्म सकी बैनर तले बनाया जाएगा। ये फिल्म आनंद गांधी के एक गुजराती प्ले बेटा कागड्डू पर आधारित होगी, लेकिन काजोल ने इन सब अफवाहों को दरकिनार करते हुए बताया है कि उनकी नई फिल्म को राजेश साथी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। काजोल ने अपने फैंस को बताया कि प्रदीप सरकार मेरी नई फिल्म को डायरेक्टर करेंगे, जिसको हमारे होम प्रोडक्शन के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसके अलावा मैं और ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकती हूँ। हाल ही में काजोल ने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान के साथ मंच भी शेयर किया था। इस मौके पर अमिताभ बच्चन और कमल हासन भी मौजूद थे। काजोल ने बताया है कि अमिताभ बच्चन और कमल हासन मेरे पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं। मैंने हमेशा इनके काम को पसंद किया है। दोनों को साथ में देखना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था।